bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bum. शुभम बेटा सिमरन. शुभम. लेकिन ये क्या, बाकी सहवासी लड़कियां कहाँ हैं? वो काम पर गए हैं ना पापा. आप लोग अचानक इस वक्त भी ना. तुमसे बहुत दिन हो गए थे ना मिले हुए, तो सोचा अचानक तेरे घर आकर तुझे आश्चर्यचकित कर दे. मुझे लगता है कि प्लंबर को बुला दे. दरअसल सिमरन को मैं बाथरूम में ठीक कर रहा था. नहीं नहीं, बाथरूम में सिमरन का नलका ठीक कर रहा था. ये क्या हो रहा है पापा? कुछ नहीं हो रहा है. वो मेरे बाथरूम का नल लीक हो रहा था तो रजनीश उसे ठीक करते हुए भीग गए होंगे, इसलिए वो. बैठी ना सिमरन. क्या क्या कर रहा है? वो मैंने रजनीश के पेरेंट्स को लंच पे बुलाया ना, तो वो मेरी मदद करने जल्दी ही आ गए. हाँ, वो मैं सलाद काटने वाला था. गाजर, मूली, तुरई, घिया, बैंगन. समझ गए. सिमरन. हाँ बेटा, हमें लगता है कि अब हमें बात कर ही लेनी चाहिए. किस बारे में? निर्धारित ने हमें सूचना दी कि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर सब इंस्पेक्टर रजनीश से शादी करने की ठान ली है. बेटा, हमारे दिल पर क्या बीती होगी सोचा तुमने? आप लोग बैठिए ना, मैं चाय. बैठिए बैठिए. अरे बेटा, मैं नारियल तेल लगा देती हूँ. ऐसे बेहतर पानी. हम आ गए. पापा जी, मम्मी जी, देखिए ना मुझे सरप्राइज करने कौन आया है. मेरे मम्मी और पापा. अच्छा, मतलब हमारे होने वाले समधी. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. मैं डॉली, इसकी मम्मी, और ये मेरे वो. शुभम. आई एम जसबीरम. नहीं नहीं, हमारे में नमस्ते को शुभम कहते हैं. वैसे मेरा शुभ नाम है निर्मल आनंद और ये है मेरी अर्धांगी. क्यों, बीवी को साथ नहीं लाए? चने खाएंगे? चने चबाइए. आजकल ना मुझे सिर्फ इन दोनों की शादी के सपने आते हैं. सोनू, ये क्या है? गर्मी है पता, पर इतनी गर्मी नहीं है. सबसे पहले मतलब इज्जत उतर जाएगी. बैठिए. तो आप करनाल से हैं? जी. और मैं दिल्ली से हूं. जी. चलो, इससे ये तो साबित हो गया कि हर कोई कहीं ना कहीं से तो है. जी. वैसे ये बीवियां एक ही जगह से होती हैं, नरक से. इनके तरफ ध्यान मत दीजिए, मजाक करने की आदत है इनकी. लीजिए, मैं घर से ना गर्मा गर्म आलू की टिक्किया बना के लाई हूँ, खाइए. इनका पेट तो सूखने से भर गया. निर्मल जी, आप खाइए ना. धन्यवाद, किंतु ये आलू टिक्की ग्रहण नहीं करते. अच्छा अच्छा, डॉक्टर ने मना किया होगा. नहीं, मैं आलू टिक्की खाता ही नहीं. कोई बात नहीं, मैं अचार और पराठे भी लाई हूँ, अभी लाती हूँ. नहीं, मैं पराठे भी नहीं खाता. सच कहूँ तो जिंदगी में कभी पराठे खाने को मन ही नहीं हुआ. और ना ही अचार चखने का. मतलब
जिंदगी में पराठे आलू के गोभी के मूली के पनीर के और अचार भी नहीं खाया कभी? गोभी का आम का गाजर का कोई भी नहीं, कभी मन ही नहीं हुआ। आपके डॉक्टर का नाम कहीं डॉक्टर मन तो नहीं है? रेडियो टीवी अचार पराठे, तो फिर टाइम कैसे काटते? हमारे आत्मिक गुरु के प्रवचनों की चर्चा करने में या उनके आश्रम जाकर। सिमरन बेटा जी, आज स्वामी जी के आश्रम में सत्संग था, तुम गई थी सत्संग में? नहीं मामा, वो एक्चुअली जाने वाली थी। हाँ, मैंने इससे कहा कि मेरा भी मन है तो कल चले चलेंगे एक साथ स्वामी श्रमानंद के आश्रम में। श्रमानंद नहीं, स्वामी नंदानंद। बहुत महान हस्ती है वो। तब तो वो भी आलू की टिक्की नहीं खाते होंगे। बोली जी, स्वामी जसबीरानंद जी के लिए भी टिक्की ले आ। खाना मना है, अब ऐसे भी अपने हिस्से की ना गाड़ी में ठूस लिए तुमने। बोली दे दे, नहीं तो मैं चने से सर फोड़ दूंगा। चुपम जी, मेरी टिक्की नहीं मिली ना तो मैं जानवर का रूप धारण कर लूंगा। छोड़ो ना माया, बच्चे बर्थडे पार्टी के लिए गए हुए हैं, क्यों ना हम घर जाके पकड़म पकड़ाई खेलें? इस हफ्ते की पकड़म पकड़ाई हो चुकी है, परसों चलो ना। क्यों ना मॉल चले, 30% का डिस्काउंट चल रहा है। तुम ढेर सारी शॉपिंग करना और मैं पीछे पीछे तुम्हारे सारे बैग्स पकड़ के चलूंगा और हर 2 मिनट में कटरीना 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 बुलाऊंगा। कौन है अंदर? सिमरन के पेरेंट्स वर्सेस मम्मी जी पापा जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव। हेलो, क्या हो रहा है? पानी पानी। टिक्की बहुत अच्छी थी लेकिन है ना, नमक कुछ ज्यादा डल गया था। बैठो, नमक ज्यादा। हेलो अंकल जी आंटी जी, मैं रजनीश की सिस्टर इन लॉ माया। शुभम, आप सब मिल लिए? हाँ मिल लिए, इसीलिए अब हमें चलना होगा। सिमरन हम फोन पर बात करेंगे, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी हम दोनों के सर आ रही है। छोटा सा इनविटेशन भेजना है और मैं नर्वस हुए जा रहा हूँ। इनविटेशन कार्ड नहीं, ईमेल। पुचकी को पेपर वेस्ट नहीं करने। अबे ईमेल छोड़, तू अपनी बैचलर पार्टी की फिक्र कर, नागिन डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। नागिन। और तू तू ये ईमेल सीमेल लिखने को राजी क्यों हो गया? कमाल है, मैं क्यों ना मदद करूं, आखिर मेरी भी तो शादी है। ओ नन्न मुन्ने सोनू को लगता है कि उसको उसकी शादी में ना मदद करनी चाहिए। अबे चपड़ गज्जू, शादियां लड़कियों के लिए होती है, मर्दों को तो सिर्फ अटेंडेंस मारनी चाहिए। लड़कियां ना 12 साल की उम्र से शादी के सपने देखती हैं, मेरी शादी होगी, ऐसा जोड़ा पहनूंगी, ऐसे गहने लेके आऊंगी। तूने बचपन से क्या सपना देखा होगा? यही ना कि लोग तुझे बदबूदार भालू ना बुलाएं। ओए उसे स्कूल में बुलाते थे समझा, अभी भी बुलाना चाहिए। अब मोनू बता देना क्या करूं, प्लीज मदद कर देना भाई प्लीज। हाँ ठीक है सुन, तू ना अपने इनविटेशन कार्ड पे सब कुछ उल्टा सुल्टा लिख दे, उसे देख के सिमरन ऐसे शॉक्ड हो जाएगी कि कहेगी छोड़ो पुचकू, मैंने ना अपने आप माई सेल्फी कर लेना है और आइंदा से तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देनी उसने। इंसान है तू, ये क्या थैंक यू बोलने का तरीका है? चल मैंने नहीं करनी ऐसी वैसी कोई हरकतें, जानबूझकर अपनी शादी का कार्ड बिगाड़ दो। अबे ठुल्ले, we two of the experienced people of शादी से शुदा तेरे को मुफ्त सलाह दे रहे हैं। मेरी शादी के संगीत में माया ने मुझे कोरियोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, पहला बंदा लेके आया तो माया को
जुम्बा नहीं रुम्बा चाहिए था। रुम्बा? हाँ, दूसरा बंदा लेके आया तो उसका जाइव से जी भर गया। जाइव से जी भर गया जी। अरे यार, ये शादी जनानियों से ना करनी पड़ती ना तो लाइफ बड़ी कमाल की होती। anyway, मैंने तंग आकर दुनिया के दी बेस्ट कोरियोग्राफर को ढूंढ निकाला। कौन सा? नटवर महाराज, 80 साल का कथक डांसर। उसने माया को ऐसा डांस दिखाया, ऐसा डांस दिखाया। उसके 10 मिनट बाद से मुझे शादी की तैयारी में उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। उंगल भी नहीं? मैंने बस एसी स्टार्ट किया, सोफे पे बैठा, टीवी चालू कर दिया और लगातार 5 टेस्ट मैच देख डाले हाइलाइट्स के साथ। बोनू, तेरी कहानी सुन के है ना आंख से आंसू और मुंह से दांत बाहर आ गए। वैसे सही कह रहा है तू। वो पुचकी है ना, वो भी सारे काम अपने हिसाब से ही करना चाहती है। अरे मैंने उससे कहा कि मीठे में हम लोग गुलाब जामुन मंगवाते हैं। हाँ, और उसने रसगुल्ले मंगवाए। लो, गुलाब से शेरवानी भी बदलवा दी उसने। और पापा जी, घोड़ी भी रिजेक्ट करवा दी। बताओ क्यों? घोड़ी दुलत्ती मारती थी? नहीं, उसका ये कहना है कि घोड़ी का कलर शेरवानी से मैच होना चाहिए। बताओ। अरे यार, उसको सारे काम करने तो करने देना। आखिर तू उससे प्यार करता है कि नहीं? तो फिर बता क्या कर रहा है, बोल। ये हुई ना बात। तेरे इनविटेशन कार्ड की धज्जियां उड़ाते हैं। तेरा फोन दे, फोन दे। अरे फोन दे ना, फोन पे टाइप कर देता हूँ। तू सुमरन को फॉरवर्ड कर देना, वो पूरी दुनिया को भेज देगी। चलो शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, मैं लिखवाता हूँ। जी, प्रिय निकम्मो एवं निकम्मियों। नहीं पापा जी, बकवास लिखना है, लेकिन इतना बकवास भी नहीं कि उन्हें समझ में आ जाए। मोनू, तू तो महा महाज्ञानी हो गया है। लव यू ब्रो। बोल भाई, इनविटेशन कार्ड में पहले क्या लिखते हैं? कोई श्लोक वोक टाइप है? तू श्लोक जानता है? पापा जी, ब्रो, यू दी नो आई एम द एक्सपर्ट ऑफ द इंग्लिश ओनली। तू ऐसा कर, हिंदी शब्द के पीछे अम या आ चिपका दे, श्लोक ही लगेगा। बढ़िया, ट्राई करके देखते हैं। हाँ। प्रियम। ओह ला ला। अबे ये तो संस्कृत जैसा ही लग रहा। संस्कृत जैसा ही नहीं, संस्कृत है। अब दूल्हा दुल्हन के नाम को कैसे बिगाड़े? हाँ, हाँ? सिमरन की जगह पुचकी लग दे और मेरे नाम की जगह पुचकू। पुचकू सुपुत्र श्री जसबीर वालिया एंड श्रीमती डॉली वालिया। ब्रो 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 ब्रो, तू जसबीर को जैस कर दे और डॉली को डॉल्स कर दे। ग्रेट ब्रो, ओरिजिनल से बेहतर है। और माया, मोनू है क्या घर पे? बस भैया, आता ही होगा। अरे वो हम लोग आज इकट्ठे बैठ के मैच देखने वाले हैं ना। अच्छा, कुछ नया कर रहे हो आज आप लोग? कुछ की? रजनीश वालिया, ये तुमने क्यों किया? क्या हुआ? मेरी बर्बादी हुई। हे भगवान, ये नहीं होना था। क्यों किया तुमने ऐसे? ये मेल सबको कैसे चला गया? हुआ क्या? लेकिन ये देखो माया, देखो। हे भगवान, है ना, मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, क्योंकि 3 लाइन पढ़ने की बाद ही मुझे हार्ट अटैक से आने लगा था। सबको भेजने से पहले पहले तुम्हें मुझे क्यों नहीं भेजा? मैंने सिर्फ तुम्हें ही भेजा था पूछ के, वो शायद गलती से सबके पास चला गया। मेरे अंगूठे बहुत बड़े हैं ना मेरे मोबाइल के हिसाब से, तो कभी कभी गलत चीजें प्रेस हो जाती है। हे भगवान, मम्मी जी, सब सत्यानाश हो गया।
ये कैसे हुआ? ऐसे नहीं, सब गलती अंगूठों की मम्मी जी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं अंगूठो। चाकू कहाँ है? नहीं होते ना तो मैं मेल भेज ही नहीं पाता ना। रजनीश भेजना तो छोड़ो, तुमने ये बेहुदा ईमेल लिखा कैसे? हाँ भगवानम को प्रणामम और आपको हार्दिक अभिनंदन। ये भी फोन की गलती है और मेरा नाम पुचकी लिखा। वो मैं प्यार से तुम्हें बुला रहा था ना न्योते पे। ये हमारे संगीत का न्योता है, SMS का चैट नहीं। पुचकी मैं सारी दुनिया को नहीं सिर्फ तुम्हें भेजना चाह रहा था। माया देखो हमारे नाम पढ़ो, जसबीर और डॉली जैज और डॉल्स बन गए। और मेरे पेरेंट्स निर्मल और पवित्रा से निम्मो और पैव्स। रैप आर्टिस्ट नहीं है वो। ये मैं सारी दुनिया से नहीं सिर्फ तुमसे कहना चाहता था पुचकी। और ये हॉल के बजाय अखाड़े का ड्रेस, पर ये देखो डेट भी गलत लिखी है तुमने। और ओ माय गॉड, तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है पुचकी, नहीं, नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की, सब कुछ जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। नहीं, अरे ये बात मैं सारी दुनिया को नहीं सिर्फ तुम्हें कहना चाहता था पुचकी। पुचकी पुचकी प्लीज सॉरी पुचकी, मैं सही में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पुचकी रो मत ना, रो मत प्लीज प्लीज, रो मत रोबत रोबत प्लीज प्लीज। हाँ स्माइल स्माइल स्माइल। पुचकी मैंने शादी तोड़ने के लिए न्योता नहीं बिगाड़ा। फिर क्यों? क्योंकि सच सच बोलो रजनीश वालिया, इतनी सारी तबाही क्यों मचाई? हमें लगा कि हम कौन कौन हम कौन। हमें लगा कि मेल तो सिमरन को लिखना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि शादी करना तुम्हारा सपना है और 12 साल की उम्र से तुमने ये सपना देखा है। होगा ऐसी उल्टी सीधी सारी चीजें करके मैं शादी की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप देना चाहता था पुचकी, क्योंकि मैं चाहता था कि शादी के सारे डिसीजंस तुम लो, क्योंकि मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं। माया मुझे ना दो लोगों पे शक है और दोनों का नाम वालिया से एंड होता है। हाँ मम्मी जी, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं वालियों ने मुझे कहा कि ये सब तो सिमरन का डिपार्टमेंट है, मर्दों को तो शादी में जाके सिर्फ अटेंडेंस मारनी चाहिए। मैं लेती हूँ छोटे की अटेंडेंस और मैं लेती हूँ मोटे की अटेंडेंस। मुझे अब सबको वापस ईमेल भेजना पड़ेगा। ओ सिमरन चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करती हूँ, चल आ जा आ जा। मम्मी जी भाया, मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर यहाँ पर। Bum 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 bum